एक बात पूछना चाह रहा हूँ। यस पूछें। बोल रहा हूँ कि क्या नाम है, अभी हम लोग फैक्ट्री आए हैं, ठीक है, अभी जब हम जाएंगे तो आप खाने में क्या पसंद करेंगे, कहाँ खाने में लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाएंगे हम। पे जाए? आप क्या चाहते हो, कहाँ जाएं? मैं जो बोलता हूँ, जहाँ पे पहले हम लोग नहीं गए थे, हम लोग कहाँ गए थे? हाँ, किमाड़ी। फिश। हाँ, हाँ, अगर वहाँ गए तो फिर वहाँ खाने में आप क्या मुझे, बोलते हैं? मेरा भी वहीं के जाने का दिल कर रहा है, तो मेरा खाने में दिल करेगा जनाब झींगा कढ़ाई का। झींगा या केकड़ा? नहीं केकड़ा, नहीं केकड़ा आप लोगों के बच्चों के खाने का होता है, नहीं, सो बच्चे पीते हैं, सेहतमंद होते हैं, उनकी जान बनती है। वो चाइनीज ऐसा काम करते हैं, हम मुसलमान थोड़ी ना करते ऐसे काम। अच्छा, लेकिन होता बड़ा टेस्टी है, मैंने सुना जो बच्चा एक दफ़ा खा लेता है उसे बड़ा पसंद आता है। उसको पसंद आते हैं, फिर पता नहीं। बारबेक्यू के लिए कौन सी फिश अच्छी है? बारबेक्यू में रेड स्नैपर, गिसर, धोतर, मुश्का। हाँ पिल्ले जी, कौन सी ठीक है? जो होती है ना, जो कि मतलब थोड़ा ड्राई होती है, ये जूसी जो तेल वाली होती है सर, ऊपर कितना कितने लोग सर? पाँच, अगर आप पाँच पाँच तो बड़े, लेकिन वो कढ़ाई भी खाएंगे, कढ़ाई खाओगे झींगे की, उसी ग्रिल का लिए। ये मुस्तफ़ा के ख्वाहिश के ऐन मुताबिक केकड़ा सूप हमने मंगवाया है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त। ये अभी मुस्तफ़ा ट्राई करेगा, फिर हमें बताएगा कि इसका जायका कैसा है। अगर इसको उल्टी हो गई तो हम नहीं खाएंगे, हाँ, और अगर इसने इसको टेस्ट लगा तो हम भी खाएंगे। तजर्बा मुस्तफ़ा पे करेंगे हम। कुछ बुरा है, हाय मजे गए। मजे गए, ओके, ऐसे नहीं बोलना, मुंह पक्का करके हमें कर रहे हो ओके। ऐसा नहीं, बात पानी से मगज है, जोश जोश, बहुत मजे गए। डंडी मार दी, सही है, छोड़ दे। जिशान भाई, इस वक्त आप केकड़ा नोश फरमा रहे हैं, आपका फरजंद केकड़े का सूप पी रहा है, लुत्फानंदोज़ हो रहा है, तो इस केकड़े के बारे में कुछ शरी तौर पर हमें बताएं कि ये इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं खाने के लिहाज से, शरी तौर पर। फिकानी के अंदर शरी तौर पर केकड़े को जो है वो मछली में शामिल नहीं किया है, फुकाहाए अहनाफ के नज़दीक ये मकरूह केकड़ा। अच्छा, झींगा ये, बल्कि झींगे के ऊपर है कि ये मछली में शामिल है, और उनकी तारीफ ये बयान की गई है मछली की, जो समुद्री जानवर हैं या पानी के जानवर, वो अगर पानी से निकाल दी जाए मर जाए तो वो मछली है। और केकड़ा हमारे लिहाज से किस लिहाज से? केकड़ा जो है बाहर भी निकलता है तो मरता नहीं है, मतलब किस आयमा ग्राम के मुताबिक ये जायज़ है? अहनाफ के नज़दीक तो ये मकरूह है, जबकि शवाफे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और उनके पैरोकारों के नज़दीक ये मकरूह नहीं है। शवाफे के नज़दीक केकड़ा और कछुआ, पानी का सांप, ये सब चीज़ें हलाल हैं और जायज़ हैं, हमारे नज़दीक ये मछली नहीं है तो ये जायज़ भी नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।